मैंने सोचा था बारिश रुकेगी मगर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। सर शुक्रिया तो जी आज ये काम खत्म हो गया। वाला अस्सलामु अलैकुम, वेरी फ्रेश मॉर्निंग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक अच्छे से और बहुत ही मज़े होंगे। जी आज सुबह सुबह मौसम बहुत ही बढ़िया है और हमारी चाय आ गई है, इसके साथ हमारी मक्कियाँ और रोटियाँ और चाय। तो जी कहीं पहले हम चाय पीते हैं, उसके बाद हम दिन भर का प्रोसेस देखते हैं, जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज अभी हम जाएंगे दूध लाने, काम वाले तो आ गए इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी दूध लाने, चाय बनानी है ना। कश्मीर में तो आम है 10 बजे चाय पीना, तो अभी हम जाएंगे दूध लाने। मार्केट का भी हो गई इस तरह का, आज तो थोड़ा बहुत शांति है कुछ मार्केट में। तो सो जी सो चले गए, अभी हम खुद भी चाय पी लेते हैं। उन सबको मैंने दे दी चाय। बाहर आज मौसम, थैंक गॉड आज मौसम ने करवट नहीं बदल दी, वरना हर मिनट के बाद मौसम ख़राब हो जाता था। और ये रहा बैक साइड का व्यू, देखो मक्की कितनी बड़ी होगी, जितना एक फ्लोर है ना मकान उतना देखो उसकी हाइट हो गई है। बाकी पीछे फसल वसल और शायद नहीं, परसों बालू आया था वहाँ से, जो है ना ये यहाँ से वहाँ से बालू आया था। चले पहले हम अपनी चाय काम करते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। सो गाइस मैं गया था दुकान पर फेविकोल लाने के लिए और स्क्रू लाने थे, स्क्रू तो नहीं मिले, तो ही ये देख सकते हो फेविकोल। बाकी घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो फिलहाल अभी हम चलते हैं घर की तरफ। सर शुक्रिया शुक्रिया। तो जी आज ये काम ख़त्म हो गया, तो आज ये ख़त्म हो गया सर। आज मैं क्या बोलिए ड्रिल मशीन से क्या कर रहे थे यहाँ पर। तो देखिए कल यहाँ पे काम चल रहा था ना गाइस, यहाँ से इसको अंदर से पाइप डाली गई है और इसको बाहर से बिल्कुल फिक्स किया गया है। इसके ऊपर अब माइका लगेगा और इसके बाद किचन का काम खत्म हो गया। अच्छा अब यहाँ पे भी एक शलभ बनेगा, वो तो ध्यान में नहीं था मगर हमारे कारीगर ने वही से कहा मैं यहाँ पर एक अलमारी बना के दूंगा। ग्रेट जॉब सर। और ओके चलो ड्रिल मशीन पकाया
ड्रिल मशीन है पका उनका जद कर बीमार तो जी गाइस अभी खाना शाना हो गया एंड थैंक गॉड आज मौसम बहुत ही बढ़िया रह गया है। तो अक्सर खाना खाने के बाद थोड़ा सर्दी तो लगती है, तो फिलहाल अभी हम धूप का मज़ा लेते हैं, उसके बाद अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। काम तो था एक नीचे फ्लोर का काम आज तो ख़त्म हो गया, फिर ऊपर फ्लोर का काम रह गया, ऊपर खिड़कियाँ लगानी है, उनमें भी 5-6 दिन लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह काम सब ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आज हम जाएंगे ग्राउंड में। तो गाइज हमारे ग्राउंड में मैच होने वाला है, मतलब एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, एंजल्स ट्रॉफी, जिसका पहला मैच शायद कल है, जिसके अपडेट्स आपको रोज़ मिला करेंगे। ये डिस्प्ले पे आता होगा, हमारा पेज चल रहा है, एक ग्रुप चल रहा है, एक एंजल्स ट्रॉफी कुलनगा, दूसरा कुलनगा विलेज, उनमें आप किसी भी को भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आप कोई भी अपडेट एंजल्स ट्रॉफी का पा सकते हो। बाकी गाइस अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद धूप थोड़ा कम होने तो इसके बाद हम जाएंगे ग्राउंड में। ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चलती है आज ग्राउंड में, वो भी आपको दिखाएंगे, बाकी वहाँ पे खेलेंगे आज बहुत दिनों के बाद। तो बाकी गाइस ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को शेयर ज़रूर कर देना। सो गाइस वेलकम बैक। तो गाइस अभी तक मैं सो रहा था, अंदर काम चल रहा था, तो अभी मैं आ गया चाय पीने। यह अभी हमारी चाय आ गई और अभी घर वाली रोटी बन गई है, मगर क्या करें, मैंने सोचा था ग्राउंड में जाएंगे, देखिए बाहर की हालत, बारिश स्टार्ट हो गई, यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से गीला हो रहा है। तो अभी हम पहले चाय पीते हैं, इसके बाद अगर अल्लाह ने चाह बारिश रुक गई तो मैं आपको ज़रूर ग्राउंड में ले जाऊँगा, वरना फिर भी देखते हैं जो भी होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैंने सोचा था बारिश रुकेगी, मगर बारिश रुकने का नाम भी लेती है। और गाइस मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, कल का ब्लॉग अपलोड भी करना है, तो मैं जा रहा हूँ डाटा पैक डालने। मुझे लगता है इस एपिसोड में इतना रखते हैं, तो आई होप आपको ये ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना व्लॉग्स कैसे आ रहे हैं, व्लॉग्स की क्वालिटी कैसी है, और कुछ टिप्स ब्लॉगिंग कैसी करनी, स्टार्टिंग तो इसी ईयर के लिए तो टिप्स तो बनती है। बाकी गाइस इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।